एप्लीकेशन ऑफ डायोड में, डायोड इज ए रेक्टिफायर, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डायरेक्ट करंट डीसी, ओके, इज कॉल्ड अ रेक्टिफायर, इज कॉल्ड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है ये डायोड, ओके। और कम्युनिकेशन ज्यादा दिन का टॉपिक नहीं है, एक एक घंटे का 5 लेक्चर काफी है, बहुत, वो भी इतने ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर अपने सिलेबस में है वो 3 तरह के रेक्टिफायर है, 2 ही तरह के कह दो आप। एक कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी हमें फर्दर 2 पढ़ने हैं, और सिर्फ इसकी सर्किट ही इम्पोर्टेंट है। सर्किट अगर देख लेंगे तो कैलकुलेशन हम ऑलरेडी आपका कर चुके हैं इस चैप्टर का, जो कि आपको याद दिलाऊंगा मैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, अब देखिए आपको आइडिया तो है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, है ना। ये क्या करता है हाफ वेव रेक्टिफायर, इट रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ, इट रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ ऑफ ईच एसी सप्लाई, एसी सप्लाई साइकिल, जो पूरा साइकिल है एसी का उसके आधे पार्ट को, वन हाफ, इसको रेक्टिफाई कर देता है, मतलब पास कर देता है, बाकी को वो ब्लॉक कर देता है। एक एक ऐसा सर्किट होगा, जैसे कि एसी, ये हमारे घरों में जो एसी आ रहा है, एसी इनपुट, इसमें हम मान लीजिए घर में छोटा सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, चार्जर में तो अब सर्किट, चार्जर में भी ट्रांसफार्मर होता है। ये ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 220 वोल्ट के सप्लाई को स्टेप डाउन कर देगा, यहां पर क्या कर दिया इसको, स्टेप डाउन कर देता है ये ट्रांसफार्मर, मतलब छोटे वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है 12 से 13 वोल्ट में। और फिर ये जो एसी कन्वर्ट हो गया, स्टेप डाउन किया हुआ एसी, इसको हम सप्लाई करते हैं एक डायोड को, और डायोड फिर एक लोड से कनेक्टेड, डायोड इज कनेक्टेड विद अ लोड, दिस इज अ लोड रेजिस्टेंस, इसको आर एल नाम देता है, और आउटपुट हम यहां से फेच करेंगे आउटपुट। तो आप सोचो कि जो इनपुट है वो कैसा इनपुट है, तो डेफिनेटली एसी है, ये एसी इनपुट है, और इस एसी इनपुट को क्या करेगा ये सर्किट, हाफ रेक्टिफाई कर देगा। तो जो यहां पर पीक वोल्टेज मिल रहा है हमें, ये एसी डीसी को रेक्टिफाई करेगा, ट्रांसफार्मर का काम तो सिर्फ स्टेप डाउन कर देगा। तो देखिए सर्किट के साथ होगा था, तो जैसा कि मैं यहां पर वोल्टेज भी ड्रॉ कर लेता हूं, ये देखो डायग्राम मेरे को बनाना पड़ेगा, आप लोग ध्यान देना यहाँ पर, बहुत डायग्राम होने की वजह से ही ये स्लो हो जाता है चैप्टर।
ये इनपुट है जो कि हमने इसको सप्लाई किया। ये इनपुट एसी सिग्नल है। एसी मतलब क्या होता है आपको पता है? कुछ समय के लिए इसकी एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होती है, कुछ समय के लिए नेगेटिव। तो जब मैं इस पॉजिटिव साइकिल को इनपुट में कनेक्ट करूंगा, मतलब यहाँ पर जो ये पॉजिटिव साइकिल है, जब ये अपीयर हो रहा होगा तो डायोड का बिहेवियर कैसा होगा वो देखो। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए समझना जरा सा, एक लाइन में हो जाएगा ये। पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करूं मैं तो डायोड की सर्किट कैसी होगी? ऐसे सर्किट है। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब ऊपर पॉजिटिव और नीचे तो डायोड क्या हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल में? फॉरवर्ड बायस। और हम इसको समझने के लिए अगर आइडियल माने तो फॉरवर्ड बायस में हम डायोड को रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से। तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, इसका मतलब यहां पर जो भी वोल्टेज है वही वोल्टेज अपने आउटपुट पर अपीयर हो जाएगा। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो मेरे को आउटपुट मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज, वो क्या मिलेगा? पूरा का पूरा जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज वैरी कर रहा है वैसे वैसे मेरे को आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है इन द फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। इसके बाद देखो कि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल की मैं बात करूं तो सर्किट कैसा होगा? ये डायोड है, ये रेजिस्टेंस है और इसके साथ वोल्टेज अब ऐसी वाली पोलैरिटी है। तो अब डायोड क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। रिवर्स बायस डायोड, डायोड का आइडियल डायोड को हम रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से तो यहां पर करंट जीरो होगा। करंट जीरो का मतलब ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल जब अपीयर होगा इस डायोड के सर्किट के इनपुट पर तो यहां मुझे मिलेगा क्या? यहां मिलेगा जीरो वोल्टेज एट द आउटपुट। क्यों? क्योंकि डायोड क्या हो गया? फॉरवर्ड रिवर्स बायस हो गया। फिर से जब फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो फिर से ये पॉजिटिव हाफ साइकिल को एडिटिव कॉपी कर देगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए करंट क्या प्रोवाइड करेगा? एक जीरो। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहाँ पर फिर से करंट मिल जाएगा जीरो और ये चीज चलता रहेगा। तो ये सर्किट है जिसे कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, जिसमें से कि एक ही डायोड यूज होता है और एक हाफ साइकिल के लिए डायोड ये फॉरवर्ड बायस होता है, दूसरे के लिए रिवर्स बायस और ये इस तरीके से कार्यक्रम कंटिन्यूसली चलता रहता है, जिस वजह से आप देखते हो ये वन हाफ ऑफ द एसी सिग्नल को रेक्टिफाई कर देता है। तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हो गया वन हाफ ऑफ द एसी सिग्नल। ये इनपुट था और ये कुछ ओमेगा टी टाइम मान लो आप और ये आउटपुट आपको मिल रहा है। यहाँ पर जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में है और यहाँ जो डायोड है इस रेंज में रिवर्स बायस। हाफ ऑफ द एसी सिग्नल इज रेक्टिफाइड। इसके बाद देखो ये एसी से डीसी में तो कन्वर्ट हो गया। डीसी का मतलब क्या होता है? सिंगल पोलैरिटी। और उसके बाद इसको बहुत सारे और भी सर्किट लगते हैं जिससे आपको काम का नहीं। तो देखिए होगा क्या कि जैसे कि अब इस सर्किट को एक बार मैं यहाँ पर बना लेता हूं, एक सेकंड। देखिए ये सर्किट है, दिस इज द सर्किट वी हैव नाउ। व्हाट इज हैपनिंग कि इनपुट जो है, ये जो इनपुट है यहां से, ये इनपुट को मैं वी आई मान लेता हूं
जैसे कि वी आई तो एसी है, इनपुट तो एसी है, एसी का मतलब कुछ पीक वैल्यू होगी और साइन ओमेगा टी रहा होगा। तो जो आपको आउटपुट करंट मिलेगा, आउटपुट करंट जो मिलेगा वो करंट देखो क्या रहेगा, आई विल बी समथिंग पीक वैल्यू ऑफ करंट, और सर्किट में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस तो कोई भी फेज इंट्रोड्यूस करता नहीं है, रेजिस्टेंस तो सेम टू सेम फेज रहता है, साइन ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी भी रहेगा। लेकिन ये कितने टाइम के लिए, हाफ ऑफ द टाइम के लिए। अगर मैं इस ग्राफ में ये वाला टाइम टी हाफ बोलूं, ये टी, ये थ्री टी बाई टू और ये टू टी, इस तरीके से टी हाफ तक, तो आपको करंट मिलेगा सर्किट में, लेकिन नेक्स्ट टी हाफ में करंट नहीं मिलेगा, इट विल बी जीरो। आप याद करो कि जब हाफ वेव थे अपने पास, अब देखो ऐसी की कुछ चीजें याद कराते हैं, ऐसा हाफ वेव अगर इसकी पीक वैल्यू Vm है वोल्टेज की, तो आप क्या लिखोगे इसका डीसी वैल्यू, डीसी वैल्यू इज Vm बाय पाई, मतलब एवरेज वैल्यू को ही डीसी वैल्यू कहते हैं, आरएमएस क्या लिखोगे Vm बाय 2, ये सारी चीजें वहां से हम कॉपी करेंगे। देखिए कि इसमें जो है Im, ये Im कहां से आया, तो Im आ गया Vm पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और इसके रास्ते में कौन कौन से रेजिस्टेंस आए, तो डायोड का जो भी रेजिस्टेंस होगा फॉरवर्ड बायस में Rf प्लस R, ये चीजें याद रखनी है। उसके बाद अब देखो कि आधे टाइम के लिए करंट अवेलेबल है और आधे टाइम के लिए नहीं, तो लाइक कुछ और पॉइंट, डीसी आउटपुट करंट, डीसी आउटपुट करंट क्या लिखोगे हाफ वेव के लिए, तो आई डी सी विल बी आई एम बाय पाई, एवरेज वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था, आप एसी वाला तो ये ओपन करके नोटबुक चेक करना, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड किया था हाफ वेव के लिए और क्या थी वैल्यू। उसके बाद डीसी आउटपुट वोल्टेज देखना, लेक्चर यार कंप्लीट हो जाएगा, मूड खराब हो जाता है। VDC इट विल बी IDC इनटू RL, इसके बाद लास्ट RMS आउटपुट करंट, तो IRMS ठीक है आप लोगों का, यहां पर अभी मैं